झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज 2022-23 के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सरकार ने कल 4,546 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया था। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मूल बजट का पैसा ही अब तक खर्च नहीं कर पाई है, ऐसे में अनुपूरक बजट का क्या औचित्य है। हमारे सहयोगी मदन जुड़ चुके हैं। मदन, बताएं कि विपक्ष ने इस सवाल उठाया है सरकार पे कि मूल बजट का पैसा ही अब तक खर्च नहीं हो पाया, ऐसे में अनुपूरक बजट का क्या औचित्य है। अनुपूरक बजट सदन में लाना, इस पर सवाल जरूर विपक्ष ने खड़े किए हैं। और जो 2022 का जो बजट था उसकी राशि खर्च नहीं हो पाने पर भी सवाल उठाया, कहा कि जब मूल बजट के पैसे जो हैं वो अगर 50% से कम खर्च होते हैं तो ये चिंता का विषय है, फिर जब मूल बजट के पैसे ही खर्च नहीं हो रहे तो फिर अनुपूरक बजट का क्या औचित्य है। ये तमाम सवाल जरूर विपक्ष ने खड़े किए हैं। हालांकि आज फिर सदन में जो है इस पर वाद विवाद होने हैं, सरकार की तरफ से अपने पक्ष रखे जाएंगे कि ये क्यों जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जब विपक्ष इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलेंगे तब वो सरकार को बताएंगे कि आखिर आपके पास क्या पैसे थे, क्या संसाधन थे, किस में खर्च करने थे और आपने क्यों नहीं किया, और फिर इस बजट की अनुपूरक बजट की क्या आवश्यकता थी। ये तमाम सवाल जो है आज सदन में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो लेकिन राज्य सरकार की तरफ से 4,546 करोड़ रुपए के अनुपूरक तृतीय अनुपूरक बजट जो है कल सदन में पेश किया गया है। जी, इस मामले पर सरकार और विपक्ष के बीच गहमा गहमी होने की संभावना बताई जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने पहले ही सवाल खड़ा किया है तो जरूर जब वाद विवाद होगा तो उस दौरान जरूर ये देखने के लिए मिलेगा कि सरकार जहां अपने कामकाज को लेकर के पैसों की आवश्यकता बताएगी, वहीं जो मूल बजट के पैसे खर्च नहीं हो पाए हैं उसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की भरपूर होगी। जी, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।